फौजी कॉलिंग होगी आगे से, सबसे पहले तो उसके बारे में जानना। जी फौजी कॉलिंग फौजी और उनके परिवार के बारे में है, पर ज़्यादातर उनके परिवार के बारे में है, इस पर फोकस करने की कोशिश की गई है। हम सारे जानते हैं कि फौजी बहुत ही बड़ा बलिदान देते हैं, कुर्बानी देते हैं, जब हमारी रक्षा करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं। लेकिन हम ये शायद जाना नहीं और कभी सोचा भी नहीं है शायद हमें कि फौजी का परिवार भी उतना ही बड़ा बलिदान और उतना ही बड़ा सैक्रिफाइस देते हैं। जो हम इस फिल्म के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं और ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सबके सब जब भी कोई फौजी शहीद होता है तो उसके परिवार के साथ एकजुट होकर तय करें और उसकी हर जरूरत, चाहे वो इमोशनल जरूरत हो या और किसी भी तरह की जरूरत, हम उनके साथ करें। इस फिल्म को करके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब अभी तक आपने कॉमेडी नहीं करी है, मतलब हर टाइप का ऑलमोस्ट हर जॉनर कर चुके हैं, तो इस फिल्म से आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा, एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग एट द सेम टाइम एंटरटेनिंग फिल्म है और बहुत ही मुद्दे की बात कहती है और सारे बेहतरीन सीन्स लिखे गए हैं। जी इस फिल्म में मैं एक फौजी की भूमिका निभाई थी। जिस तरीके से फिल्म लिखी गई है, मुझे लगता है कि मैं इंडिया के सारे फौजियों के लिए जिस तरीके की फिल्म बहुत कम बनी है, जहाँ फौजी के फैमिली को फैमिली पे कॉन्सेंट्रेट किया गया है। थैंकफुल कि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है कि मैं वो भी हूँ कि लाइफ में उनकी फैमिली में फौजी के फैमिली में क्या होता है, उसे मैं बड़े पर्दे पर मुझे दिखाने का मौका मिला है। बहुत अच्छी लिखी गई है, हमारे साफ आर एन सक्सेना लिखी है, बहुत ही इमोशनल सीन्स है उनकी लाइफ में, जो छोटी छोटी खुशियाँ उनके, जो वो ज़िंदगी कैसे जीते हैं, उनके सैक्रीफाइस क्या है, फैमिली के फौजी के फैमिली के साथ उसके बाद जब लोग देश से मांग कर रहे थे पाकिस्तान से बदला लिया जाए और मोदी सब कुछ कर रहे मेरे हर दिन वही सब चल रहा था। लेकिन मैंने कहा
मिस्टेक है ये मोदी के हमारे वैसे ही लेकिन तो कुछ अलग ही जो जो हम सब में आज वो है तो फिल्म का मैसेज एक ही है जिंदगी चलने के नाम है चलते रहिए जो यादें तकलीफ दें उन्हें भगा देना चाहिए और यादों को छोड़ के किसी के साथ जियो इससे जिंदगी सबकी खूबसूरत हो जाती है किसी की यादों में जीने से अच्छा है किसी के साथ जीना चाहिए इससे सबकी जिंदगी खुश होती है जिससे सबकी जिंदगी खुश है सबकी जिंदगी फौजी का रोल करके लग रहा है कि मैं फौजी सीरियस हूं शर्मन जी आपको फौजी का रोल करके ऐसा लग रहा है कि मैं फौजी हो गया हूं ऐसा महसूस है फौजी की सारी भावनाओं और इमोशन से तो मैं डेफिनेटली फौजी बन गया हूं बाकी फौजी सरहदों पे कैसा रहेगा उसका एहसास अभी भी ठीक से एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिला क्योंकि ये फिल्म फौजी और उसके परिवार के इमोशंस और उनके फीलिंग्स के बारे में ज़्यादा है इसलिए कुछ बोलेंगे आपका रोल क्यों बनाइए फौजी के दीदी का किरदार हुआ एक फौजी तभी सरहद पे लग सकता है जब उसे पता है कि मेरा जो परिवार है वही होना चाहिए जो उसके परिवार को संभाल लेगा या संभाल कई बार फौजी के पैर संभालते हैं दिस पर्टिकुलर सिचुएशन आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई फैमिली माई किड्स एंड माई मदर इन लॉ और एक बहुत ही यूनिक रोल मुझे मिला है बहुत कम मतलब मुझे लगता नहीं कि कोई फिल्म बनी है जो फौजी के फैमिली पे हाईलाइट करते हैं उनके जो फौजियों की बीवी उन पे क्या बीतती है इस पे कोई फिल्म नहीं बनी है उस तरीके से तो आई एम थैंकफुल टू माय डायरेक्टर कि उन्होंने ऐसा एक सब्जेक्ट सोचा क्योंकि एक फौजी के पीछे कम से कम 4-5 लोग और भी होते हैं उनके बारे में हम लोग कभी जान नहीं पाते तो उन लोगों के बारे में इस फिल्म के बाद हम लोग जान पाए वन ऑफ द फौजी सिविलियन भी हूँ फौजी भी हूँ और रियलिस्टिक वे से अप्रोच है फिल्म का जो कैरेक्टर निभाया है जो मैंने प्ले किया है फिल्म में 40 दिन के लिए फौजी आता है फिर 40 दिन के लिए वो गायब होता है फिर कौन आता है फिर क्या होता है मतलब बहुत सस्पेंस भी है थ्रू आउट फिल्म में बहुत कुछ है मगर रियलिस्टिक अप्रोच के साथ की जो सच्चाई होती है परिवारों की मैं मेनली तो ये कहना चाहूँगा कि 18 मार्च को आप ज़रूर फिल्म देखिएगा सिनेमा घरों में हम लोग आ रहे हैं फौजी कॉलेज में मैं तो सिर्फ सीख लेता हूँ फौजी कॉलेज पर यही बात बोलना चाहता हूँ ये फिल्म उन फौजियों की बात करती है जो घरों में चूल्हा जला रही हैं जो अपने पतियों के लिए दुआएं करती हैं जो अपने बेटों के लिए सुबह शाम दुआ करती हैं जो इंस्पायर करती हैं अपने फौजी बेटों को या फौजी पतियों को या फौजी भाइयों को जिनकी वजह से वो सड़क पर लड़ पाते हैं तो ये फिल्म उन सभी औरतों को डेडिकेटेड है जिन्होंने अपने बेटों को या जिन्होंने अपने पतियों को या जिन्होंने अपने भाइयों को देश के लिए कुर्बान किया है और वो मैसेज मैं चाह रहा हूँ इस फौजी कलम के ज़रिए आम जनता तक पहुँचेगा आपको एक वो वॉर पता चलेगा अभी तक जो वार आपने फिल्म में देखा है वो सिर्फ बैटल फील्ड थी लोगों को मारने की बात थी लोग मर रहे थे गोलियां चल रही थी लेकिन ये वो वार देखेंगे आप जिसमें एक दूसरे के इमोशंस टूट टूट के गिर रहे हैं और एक दूसरे के इमोशंस संभाले जा रहे हैं बहू बाप के बहू अपनी सास के इमोशंस को संभालती है एंड सास अपनी बहू के इमोशंस को संभाल रही है बेटी माँ के इमोशंस संभाल रही है एंड दादी अपनी पोती के इमोशंस संभाल रही है तो ये एक इमोशनल स्ट्राइक है जो उस फौजी घर पर होती है जो वो जब वो देश की सरहद पे देश के लिए कोशिश किया जाता है तो आप लोग इस फिल्म को देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराएंगे थोड़ी आंखें नम होंगी लेकिन जो नम आंखें होंगी उनमें भी कहीं ना कहीं खुशी छुपी होगी आप थिएटर से